हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू हो रही है एक कक्ष से। पुणे का एक कक्ष है। महाराष्ट्र एडिटर साहब हैं और भी कई लोग हैं, सब बैठे हुए हैं। प्रकाशक हैं, प्रकाशक महोदय जो हैं वो रमेश राव जी, थोड़ा टेंशन में बैठे हुए हैं, सभी लोगों के साथ मीटिंग में व्यस्त हैं। कह रहे हैं कि कुछ तुम लोग नया करो, ऐसा करो जो मार्केट में धूम मचा दे। सभी लोग अवाक से उनका मुंह देखने लगते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं। कहें कि बात मैं वही कर रहा हूँ जो आजकल मार्केट को ट्रेड कर रहा है, जो सभी लोग की डिमांड है वही आप लोग करिए। तो उनकी जो एक राइटर है, कहानी राइटर, वो छाया नाम की, थोड़ी सी अभी नई है, कहानियाँ तो बहुत लिखती है उसकी, कहानियाँ की बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन वो चाह रहे हैं कुछ एकदम लेटेस्ट अच्छी कहानी हो, तो वो इसलिए ये डिमांड रख रहे हैं। तो जब उन्होंने डिमांड ये रखी तो छाया उठ के खड़ी होती है और कहती है सर आप क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, आप हमें साफ साफ कहिए। देखो छाया, तुमने बेटा बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां तुमने हमारी किताब के लिए लिखी है, लेकिन इस समय जो है कुछ ऐसा लिखो जैसे आजकल चल रहा है मार्केट में, ट्रेड हो रहा है, जैसे कि हॉरर स्टोरी में कुलधरा है और छलावा है, भानगढ़ है, इस तरह से कुछ लिख डालो अच्छा सा। तो कहते हैं कि आजकल जो शनिवार वाड़ा जो है बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो वो कहती है सर शनिवार वाड़ा कुछ नाम तो सुना हुआ है लेकिन अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो वो फिर से रिपीट लेते हैं कि मैंने कहा ना कि ढूंढो तलाशो कहीं भी करो, एक देखो गूगल बाबा तो सबके लिए तैयार बैठे। तो कहती हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं, तो लेकिन सर मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि। तो वो बोलते हैं समय तो हम तुम्हें देंगे, ये समय आप बिल्कुल अच्छे से ले लो, लेकिन कहानी जो है तुम्हारी रियल होनी चाहिए, एक एक शब्द उसमें ऐसा लगे कि हाँ हाँ उसको जब पाठक पढ़े हमारा तो उसको इमेजिन करे कि मैं वहीं पे हूँ, वैसे ही बिल्कुल होना चाहिए। तो वो बिल्कुल और सोचने में पड़ जाती है कि वैसे रियल सर इतना रियल कहाँ से लाऊं, उसके लिए तो सर मुझे जाना पड़ेगा, तब तो आप मुझे पूरा वीकेंड देना पड़ेगा, मैं वीकेंड में लौट के आऊँगी, पूरा 1 हफ्ता मुझे चाहिए। तो वो कहते हैं रमेश राव जी जो है खुशी खुशी मान लेते हैं उसकी बात। तो कहती सर मैं ठीक है कल से ही तैयारी करती हूँ, मैं पूरे जा करके वहाँ जा करके और शनिवार वाड़ा में देख करके तभी ये चीज़ें देखूंगी, जानूंगी, समझूंगी, फिर मैं आपको स्टोरी लिख करके दूंगी। तो राजी हो जाते हैं। वो क्या करती है, घर आती है अपने और अपनी एक पास में ही रहती है उसकी फ्रेंड है मिताली, तो उसको लेती है, उससे बात करती है कि चलो यार घूम के आते हैं बढ़िया सा, 2-3 दिन का हमारा दोनों का मिल जाता है, ट्रिप पर चलते हैं। और तो पूछती कहाँ चलना है, तो पूछती क्या, कहती चलो फटाफट पहले पैकिंग करो उसके बाद बताते। फटाफट से दोनों सामान उठाते हैं, गाड़ी निकालते हैं और उसमें बैठ जाते हैं, गाड़ी बैठते हैं जैसे ही, तो कहती है कि चलो हम बैठते हैं तुम ड्राइव करो। तो छाया ड्राइव करते करते छाया बताती है कि मुझे हमारे सर ने जो है बोला है शनिवार वाड़ा पे एक स्टोरी लिखो, और मुझे जब तक मैं शनिवार वाड़ा देखूंगी नहीं, जानूंगी नहीं, तब तक कैसे लिख पाऊंगी, कुछ तो देखना ज़रूरी होता, बिना देखे तो कैसे लिख सकते हैं, सच्ची कहानी भी चाहिए और मसाला भी पूरा चाहिए, उनको इमेजिन करे बंदा, समझ भी ले कि मैं वही चीज़ें बिल्कुल देख रहा हूँ, तो इसके लिए तो मुझे भी तो देखना पड़ेगा। तो कहती हाँ यार बात तो सही करी, लेकिन तूने पहले उसकी जानकारी इकट्ठा करी कि ऐसे चल देगी, क्योंकि जानकारी है तो जानकारी के लिए कि तो पूरा मोबाइल भरा पड़ा है, गूगल पर सर्च करो, ये देखो वो देखो सब है। फिर वो क्या करती, तो कहती अच्छा ठीक है, वो गाड़ी एक जगह रुकती है और कहती चल मिताली तू गाड़ी चला और मैं देखती हूँ। फिर वो गूगल पर सर्च करने लगती है, सर्च करती है, पाती है कि जो है वो शनिवार वाड़ा जो है पुणे में बना हुआ है महाराष्ट्र में, और उसको जो है वहाँ के जो सैनिक थे बाजीराव पेशवा प्रथम, उन्हीं पे बेस्ड है, और वो जो है 85 सालों पहले बना था और तब से वो उनके अधीन है, छत्रपद साहू जी जो थे उन्हीं के अधीन थे वो सैनिक। तो कहते हैं उसका इतिहास क्या है, ज़रा उसको भी तो ढूंढो। तो इतिहास को फिर ढूंढने लगती है कि वहाँ का जो नाना भाई राव नाम का 18 साल का एक सैनिक था, उसको जो है उन लोगों ने पेशवा बनाने की सोची थी, ज़बरदस्ती जो है उसको सौंपा था राज्य। तो उसकी अचानक से ही उसके काका जो थे तो भावराव वो वहीं पर थे, तो अब वो जो तैयार होकर के आया तो उसको किसी ने धोखे से मार दिया, तो उसकी अभी जो मरते समय वो चिल्ला रहा था भावराव बचाओ भावराव बचाओ भावराव मुझे बचाओ, इस तरह से उसकी आवाज़ जो है आज ही गूंज रही है। तो वो कहने लगी 85 सालों से आज भी, क्योंकि हाँ वो 18 साल का सैनिक था और उसको जो है उन्होंने पेशवा बनाने की सोची तो उसकी मृत्यु जो हुई है, तो आज भी वो आत्मा उसकी तड़प रही है, वो भटक रही है, बता रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे बचाओ।
तो कहती है कि अब तो देखना ही पड़ेगा लग रहा है, बिना देखे तो समझ ही नहीं आएगा, ये तो बड़ा ही खतरनाक मंजर होगा वहाँ देखने जाने पे। तो लेकिन वहाँ किले में तो जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन कोई नहीं चलो चल के देखते हैं। अब भाई सच में वहाँ जाते हैं, थोड़ी सी शाम हो जाती है, दोनों गाड़ी साइड में पार्क करते हैं, बहुत लोगों किला ही है तो देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ रहती है, सब वन बाई वन जा रहे हैं वहाँ पे। गैलरी से निकल के अंदर जाते हैं, अंदर एक बहुत बड़ा सा गेट था बाजीराव पेशवा का, वहाँ पे इतना बोलबाला था, मराठा सैनिक सभी वहाँ पे, जो उनकी सामान वगैरह थी तो म्यूजियम टाइप का था, साइड में सब बनता चला गया, सब बंद थी, इधर से इधर बंद था, इधर से इधर बंद था, तो सभी चीज़ें जो है जाली में से करके उन्होंने लगा रखा था कि जो जिसको देखना है वो बाहर से देखे। तो वो लोग भी भाई देखते 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 घूमते घूमते वो ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे से करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते चढ़ते वो एकदम छत पे ऊपर खुली छत पे पहुँचते, वहाँ देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता, शिवाला वगैरह बना हुआ है और एक से एक बड़े महराबदार बढ़िया से कमरे बने हुए हैं, देख करके ठाट बाट एकदम लगता है कि हाँ वही उसी सदी में आ गए हों, एकदम इतना बड़ा सा बना हुआ किला। और वो वहाँ से जब ऊपर से नीचे देखते तो नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लगता कि बिल्कुल चींटी जैसा, कहते कि यहाँ से तो बच के निकलना मुश्किल था, अगर कुछ भी हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता, तो ये कैसे किसी को पता चला कि उनको जो धोखे से मारा। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, तब तक कोई उधर से आ जाता है, कहता है कि यहाँ क्यों बैठी हो, बाहर निकलो। अब जैसे उसे बाहर निकलने की बात कहते वैसे वो पीछे मुड़ के देखती, वहाँ कोई नहीं दिखता, वो उसको मिताली को आवाज़ देती, मिताली 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 तो काफ़ी दूर पीछे ही रह गई थी। फिर वो दौड़ती हुई जाती है, कहती है कि तुम यहाँ हो, फिर वहाँ कौन था, तो मुझे नहीं पता कौन था, कोई होगा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कोई भी होगा। लेकिन उसका जो है एकदम से दिल इतनी तेज से धड़क रहा था, धक धक लग रहा कि कोई अभी आया, और इस तरह से वो डर के भाग के आती है मिताली के पास, भाग के आती है, बोल रही है तो उसके हाथ पकड़ के खड़ी होती है कि मिताली तुम मेरे साथ ही रहना, जाना मत। तो कहते देख तो तुम राइटर हो, स्टोरी लिखने के लिए तुमको चीज़ें चाहिए, बिना देखे तुमको लिख नहीं सकती हो, चलो अब निहारो खूब कस के, वैसे तान उसको करती है। तो भाई अब देखते देखते कहती मरते क्या ना करते, फिर वो हिम्मत करके जाती है अंदर कि मुझे वो कच्छ देखना है जहाँ नाना भाई को जो है सबने मारा था, कहीं अच्छा आप तुम्हें कच्छ भी देखना है वो, चलो भाई वहाँ। एक्चुअली ये होता है कि जो जिसका रूम होता था पहले वहाँ पे कक्ष पे लिखा रहता था कि ये महाराज जी का है, ये सैनिक कक्ष है, या फिर ये सभागार, इस टाइप से वहाँ पे बने हुए थे। तो वो जिद करती नहीं नहीं मुझे जाना है, देखना है कच्छ की सजावट देखनी है, और मुझे आसपास का माहौल भी देखना है कि किधर भाऊ राव थे, किधर से उनका वो अभिषेक होने वाला था, ये सब स्टोरी जैसा उसने गूगल पे पढ़ा था वैसे ही वो उनको बिल्कुल देखना ही चाहती थी कि मैं देख लूँ तभी इमेजन कर पाऊँगी आगे के बारे में। फिर वो जाने लगती है अंदर, तो कहती है अच्छा ठीक है देखो अभी मैं भी साथ साथ चल रही हूँ। वो चलते चलते अचानक से क्या होता है कि उसका हाथ वो छूट जाता है, वो अंदर कमरे में चली जाती है। जब कमरे में चली जाती है देखती इधर पर्दे उधर पर्दे, वो अंधेरा होने लगता होता है जब अंधेरा बहुत तेज का अंधेरा साएं साएं आने लगी। इधर गाइड लोग जो और भी लोग होते हैं कहते हैं मैडम बाहर निकलिए, बंद करने का टाइम हो गया, इधर अलाउ नहीं है शाम को। तो वो कहती है मेरी सहेली अभी अंदर गई हुई है, छाया अभी आ जाएगी तब हम साथ में चले जाएंगे। लेकिन वो जबरदस्ती बाहर उसको निकाल देता, कहता चलिए वो भी सब देखिए जा रहे हैं, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा एक एक करके सारे लोग निकल रहे हैं, यहाँ से कोई नहीं बचा, वो भी आपकी सहेली भी आगे चली गई होगी, चलिए आपको वो आगे ही मिल जाएगी। जबरदस्ती मरते क्या ना करते वाली दशा थी, वो फिर उनके साथ निकल लेती, कहती चलिए भाई ठीक है, और वो मिताली आगे आगे चल के चली जाती है बाहर। जैसे वो गेट के पास पहुंचती वहां देखती छाया का तो कोई अता पता नहीं है, कोई भी नहीं। अब वो बहुत परेशान, अब क्या करे जब छाया वहाँ पे है ही नहीं। अब वो सोचने लगी ये जरूर पक्का कच्छ के कहते कहते ये अंदर चली गई होगी, अब ये क्या करे। वो बाहर ऐसे बेचैनी से इधर टहल रही उधर टहल रही, हाथ मसल रही कहीं कुछ कर रही कि अब क्या करूँ, उसको लिए बिना घर में कहीं बाहर चली गई तो अभी और भी आफत हो तो चिल्लाएगी बाद में आकर के। तो वो मन मार के वहीं चबूतरे पे बैठ जाती है, गेट के पास ही चबूतरे, और भी लोग कुछ लोग हैं जो कि वहाँ के रखवाले वगैरह हैं, जैसे कि जो सिक्योरिटी वगैरह करते थे उसकी, वो बैठे हुए हैं, वो लोग भी साइड में बैठे, कहते चलिए ठीक है मैडम बैठ जाइए, देख लीजिए कहीं बाहर गई है या नहीं तो आप इंतजार कर लीजिए। तो वो वेट करने के लिए बैठ जाती है और रात गहराती चली जाती। और इधर देखिए क्या होता है, छाया एक कक्ष से दूसरे कक्ष में चली जा रही है, उसको पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है, जैसे जैसे रात गहराती जा रही है वो एक के बाद एक उसमें आगे बढ़ती जा रही है। पर्दे को पकड़ करके वैसे खड़ी हुई है, देखती क्या है, एक जो है सैनिक के वेश में 18 साल का एक लड़का जो है मराठा सैनिक, बढ़िया सा साफा वाफा लगाए हुए और वैसे ही कपड़े पहने हुए चला आ रहा है। और वो अपने काका से कह रहा है, काका आपने मुझे इतनी बड़ी राजगद्दी सौंप तो दी है, क्या मैं इसको चला पाऊंगा। तो काका उसको डांटते हैं कि तुम अभी चुप रहो, मैंने जो है इतनी रात में ये मीटिंग जो बुलाई है बहुत ही अहम है, इसमें जो है हम लोग ये चीज़ सोचेंगे
सभी लोगों को सभागार में बुला करके कक्ष में ये मतलब मंत्रणा करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम अभी इस वक्त चुप रहो, देखो क्या होता है आगे, सुबह तुम्हें ये सब पता चलेगा। तुम मेरे बुलावे का इंतजार करो और यहीं पे विश्राम करो। और वो वहीं पे पास में जाने लगता है, कुछ बिछा हुआ सा होता है वहीं पे बैठने के लिए। जैसे ही वो मुड़ता है, इधर छाया जो है पर्दे के पास खड़ी हुई इसको पकड़े ही वैसे, और इधर क्या यही चीज सीन चल रहा होता, पीछे से 3-4 मराठा जो सैनिक दूसरे टाइप के जो लड़ने वाले युद्ध वाले सैनिक होते हैं वो आ रहे होते हैं, तलवार हाथ में लिए हुए, भाला हाथ में लिए हुए आते हैं और धोखे से उस लड़के की गर्दन उड़ा देते हैं। ये मंजर देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। इधर नाना भाव जो नाना भाई थे वो भी गिर जाते हैं चिल्लाते हुए, भाव राव मुझे बचाओ, भाव राव मुझे बचाओ, और नाना भाई गिर जाते हैं। इधर इसकी भी चीख निकलती है, इतनी तेजी से डर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, जब वो बेहोश ही है तो क्या दिखाई पड़ेगा। इधर का सीन खत्म। जब उसको होश आता है तो देखती क्या है, उसके पीछे किसी ने हाथ रखा। मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई ना आए, लेकिन तुमने देख लिया, तुमने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। अब वो थर 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 कांप रही है वहीं पे, कौन है कौन है, वो पीछे पलटना नहीं चाह रही है, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके फिर वो हाथ दूसरा भी उसके कंधे पे आ जाता है। उसको ना चाहते हुए भी पीछे पलटती तो देखती क्या है, नाना भाई खड़े, वही नाना भाई जिसका अभी थोड़ी देर पहले कत्ल हुआ था। वो देख करके चीख मार के बेहोश होती, देखती है तो देखते उसके बिल्कुल हालत खराब, ये तो अभी मर चुके थे अभी कैसे सामने खड़े। देखते उसके एकदम से इतनी धक धक बढ़ जाती, वो गिरने ही वाली होती, लेकिन उसको संभाल लेते। कहते तुमने तो जब देख ही लिया है, पूरा सीन जान लिया है, तो जाओ। वैसे तो मैं किसी को नहीं यहाँ छोड़ता, कोई किले में रुकता ही नहीं है रात में सख्त आदेश है, और तुम जब रुकी गई हो, सारी चीज़ें देख ही ली हैं, सब कुछ अपनी आंखों से तुमने होते हुए देखा है, तो जाओ सारी दुनिया को ये चीज़ बताओ जाकर कि यहाँ क्या क्या हुआ था। वो फिर से एक बार बेहोश हो जाती है और यहाँ जितने सीन वो चल रहे होते सारे गायब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है तो उधर जो मिताली है, जैसे गेट खुलता वो भागती हुई वहाँ आती है, अंदर आती है कि मैं ढूंढ तो लूँ छाया है कहाँ, किस कमरे में गई, कहाँ गई। वो इस कच्छ से उस कच्छ इस तरह से तलाशती हुई जाने कहाँ तक, ऊपर किले तक चढ़ जाती, वहाँ भी उसको नहीं मिलती। फिर वो उसको ध्यान आता एकदम अचानक से कि वो कह रही थी मैं उसी कक्ष में जाऊँगी जहाँ पे सभागार है। वो सभागार के बगल वाले कक्ष में फिर ढूंढने के लिए जाती है, अकेली भागती दौड़ती हाँपती हुई चली जा रही है। दिखती क्या है, वहाँ पे एक पर्दा भी टूटा हुआ पड़ा है, उसी जगह पे कुछ और चीज़ें भी पड़ी थी बिखरी, और वहीं पे छाया उल्टे मुंह करके बेहोश पड़ी है। उसको किसी तरीके से वो होश में लाती है, गाइड भी वहीं आसपास जो होता है वो भी आता है, वो भी उसकी हेल्प करता है, उठाता है, उसको बिठाता है। वो देख जैसे वो बैठती क्या है, वो थर 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 कांप रही हो, होश में आने के बाद भी उसको जो है कपकपी उसकी बंद नहीं, उसके अंदर का डर निकला नहीं। वो कह रही उसने मार डाला, वो देखो वहाँ पे उसने मार डाला, वहीं पे मारा था। वो ऐसे ऐसे करके टटोलती कि देखो यहीं पे खून पड़ा था, ये वो करके सब चीज़ें उसको बताती दौड़ दौड़ करके। गाइड भी देखता है कि कहता कि अरे मैडम मैडम आपको भी ये सब पता है, ये तो मैं कैसे कैसे करके ढूंढ के बताया, जब जितने लोग देखने आते आप जैसे बता रही सेम वही चीज़ है, और यहाँ पे इनको बाजीराव पेशवा को जो नाना भाई थे उनके वो उनको यहाँ पे मारा, और ये देखिए इनके भाई भावराव जो है वो इस कक्ष में थे, ये सब करके ये तो आपने बिल्कुल अपनी कहने। हाँ मैंने रात में सब कुछ देखा, मैंने देखा कि तीनों सैनिक ने उनको कैसे ऐसे करके तलवार मारी, एक ने जो है भाला ऐसे पकड़ा हुआ था, एक ने इधर से भाला पकड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर वैसे ही बताती है जैसे उसने रात में देखा था, सीन क्रिएट हुआ था। और इधर से वो चिल्लाता है भावराव मुझे बताओ बचाओ, भावराव मुझे बचाओ, इस तरह से करके वो नीचे गिर गया था उल्टे में। तो अब ये सब चीज़ें देख करके तो वो जो है उसकी जो फ्रेंड होती है मिताली, वो क्लैप करने लगती है, वाह बहुत अच्छे, तुम तो यहाँ स्टोरी लिखने के लिए आई थी और तुम तो स्टोरी सुना रही हो, स्टोरी वाह क्या बात है, स्टोरी लिखना छोड़ करके तुमने तो स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। और वो जो है फिर उसको इतनी तेज़ी से गुस्सा आ जाती है, और उसका जो डर है, डर तो बहुत उसको लग रहा कि तू होती रात में तब पता चलता, तब तुझे नानी आती याद, इस तरह से जो मेरे साथ बीता है। किसी तरह से उसको फिर संभालते हैं वो दोनों गाइड, और दोनों मिलकर के उसको बाहर लेकर के आते हैं, उसको फिर से होश में लाते हैं। फिर जाके जब थोड़ी देर के बाद उसको होश आता है तो फिर से वो गाड़ी में उसको बिठाते हैं और अच्छे से बातचीत करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर उसको लेकर के वापस मिताली खुद ही गाड़ी ड्राइव करती है और लेकर के वहाँ आती है। रास्ते में दोनों इतनी खुश होती हैं जब सही हो जाती है वो कि चलो आए थे यहाँ पे हम स्टोरी देखने के लिए, पर यहाँ तो मैंने इतना जो कुछ देखा है वो मैं तो जीवन भर नहीं भूल सकती। फिर उसने उसी शनिवार वाड़ा पे
कहानी बढ़िया सी लिखी और अपने सर को दी तो वो भी इतना खुश हुए रमेश राव जी कि तुमने स्टोरी इतनी बेस्ट लिखी है, देखो क्या होता है। और जब उसने स्टोरी तैयार करी और लिखी तो उस स्टोरी ने इतना तहलका मचा दिया पूरी जो है दुनिया में कि शनिवार बाड़ा क्या क्या धूम मचा रहा कि देखो क्या था रियल में, बिल्कुल वही सभी लोग जो पढ़ता वही कहता रहे ये तो रियल बिल्कुल लग रहा है, ये तो बिल्कुल रियल लग रहा। तो ये थी आज की स्टोरी, मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ।